सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है अच्छाई का फल। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए क्योंकि एक जमाने में वे बहुत धनवान था। जब वो सेठ था, धनी था, उस समय उसने बहुत पुण्य किए, कई गौशालाएं बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया और अनाथ आश्रम बनवाए और बहुत से पुण्य कार्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो सेठ निर्धन हो गया। एक समय आया जब वहाँ के राजा ने ऐलान कराया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वह अपना पुण्य बताकर उसके बदले उचित फल ले के जा सकता है। ये बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने यह बात सेठ को बताई। राजा के पास जाने के लिए सहमत हो गया। सेठानी ने सेठ के लिए रोटी बनाई और सेठ रोटी लेकर राजा के दरबार के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया और उसने रोटी का थैला एक पेड़ के नीचे रख दिया और वह मुंह हाथ धोने के लिए कुंड में चला गया। वहाँ पर एक कुतिया और अपने चार बच्चों के साथ वहाँ आ पहुँची। सेठ ने उस कुतिया को दो रोटी खिला दी। वो अभी भी उसे देख रही थी। फिर सेठ ने वो अपनी बची हुई दो रोटियाँ भी कुतिया को दे डाली और उसने वो सारी रोटी सेठ की खा ली और सेठ राजा के दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो सेठ ने अपनी सारी पुण्य कार्य बता दिए। सेठ अपने पुण्यों को बताने लगा। सेठ ने अपने पुण्यों का फल मांगने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपने इन पुण्यों का कोई फल नहीं है। अगर आपको कोई और पुण्य